चार नेता डाकू बने और क्यों बुलवाया है तुझे और कहो तेरे सब क्यों बुलवाया है पद पाने के लिए लगाया है। वो रुपये हम जनता की हड्डियों से अदा करेंगे। मंत्री जी कुछ कहना चाहिए मंत्री महोदय। जब से मैं शहर शांति नगर में आया हूँ, आपकी झूठी प्याली में चाय पीता हूँ। वो हमेशा पियोगे। कहने का मतलब मंत्री महोदय ये है, हाँ बोलो, आप जिस थाली में एक बार भोजन कर लेते हो दोबारा उस थाली की तरफ निगाह नहीं मारते हो। आपको मालूम होना चाहिए हम वो फौलाद की पला है। एक थाली में एक ही बार भोजन करता हूँ, दोबारा खाना नहीं खाता। तो का मतलब हमारा यही है, कुछ हमारे भी अरमान चॉइस है। क्या चॉइस है? गीता के साथ में ला 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 ला। समझ गया। इसका मतलब गीता के साथ में अपनी हबीश को पूरी करना चाहते हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो तुम्हारे लिए खुला दरवाजा है एसपी, जाए गीता। मंत्री महोदय, हाँ, अरे मजा अभी मजा आ गया, मजा। क्या हाल है? कहने का मतलब जब गीता के पास पहुंचा तो गीता कहने लगी, साहब छोड़ दो छोड़ दो। हमने कहा चुप, शाशी छोड़ना कामचीनी मार का होता है। राणा के हाथ में जो पड़ जाता है, अरे तो उसे नींबू की तरह। लेकिन उसका हाल क्या, आवाज नहीं आ रही, बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? अरे उल्लू के पट्टे सुअर शैतान, पैर वैर मत छुआ करो। जो हमारे पैर छूता है वो समझो साले विकलांग हो जाता है उल्लू के पट्टे। एक छोटी सी गलती इंदिरा गांधी से हो गई थी, तो जानते हो मालिक क्या दफा उनकी हुई थी? हाथों में हथकड़ी, सेंट्रल जेल में थी। सचरे न करो मंत्री जी। कहने का मतलब अगर आप गीता को हमेले में रखेंगे, कहीं जांच हो गई पुलिस वालों से, तो जानते हो आपके फांसी का फंदा हो सकता है। दिमाग की है रे, कभी कभी मतलब की चीज बताता है। खाओ हड्डी ना लगाओ, हड्डी लगी हो कुत्ता पीछा खड़े। ये तुम्हारा काम है, गीता को बेहोशी हालत में उठा लो, उठा करके किसी जंगल में जाकर के फेंक दो। जंगल के जंगली जानवर उसका मांस नोच नोच के खा जाएंगे, और इस बात का पता जासूस और सुराग नहीं चलेगा। मंत्री जी सही कहा, इसको जाकर के जंगल में डाल देंगे, चीता बाघ इसे नोच नोच करके खा जाएंगे। इस बात पे दो चार ट्राली माटी डाल देंगे। अगर कहो तुम्हारे तो उन्होंने मिलेगा सुराग। या सुराग का हो रे, अगर कहीं जासूस मिल गया। साले कुत्ते की औलाद, गीता को बेहोशी हालत में उठा ले, उठा के जंगल जाड़ी में फेंक दे, उसे जंगली जानवर नोच नोच के। लेकिन फिर भी मेरा भारत।
रामा हरे। चलो यस भाई, आज हम डीवन के पास चलते हैं क्योंकि आज मैं तुमको पुलिस अधीक्षक भला करके पढ़ाओ पैगाम मैं भी आ रहा हूँ। मासूम खान हमरे कारनामे देखो कारनामे, अरे कबीरा खड़ा बाजार में कुछ भांति भांति के लोग कुछ तो माता है लेकिन ये राणा बहुत ही माता। आज कितने दिन हो गए पर हमारी राजेश से मुलाकात नहीं हुई है, आज उनकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरे सपनों के राजकुमार कहाँ होंगे, और ये मेरे सपनों का वो राजा मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, उसको आने लगा मुझे राजेश की याद में गुनगुना रही हूँ। तुम राजेश की याद में गुनगुना रहे हो, बुढ़ापे के गड़थुर्रे उड़ाए था, बुढ़ापे गड़थुर्रे। एक बात बताओ हमको, उस माइक पर जाओ, एक बात बताओ, राजेश की याद में गुनगुना रही हो। तुम्हें तो यार मालूम होना चाहिए आज एक महीना हो गया है पर हमारी राजेश से मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना। राजेश की याद में गुनगुना रही हो, एक महीने से मुलाकात नहीं हुई। एक महीना सबर कर गए, एक महीना जानते हो कैसे? क्योंकि वो वकालत के लिए बॉम्बे गए हुए हैं। वकालत पढ़ने के लिए बॉम्बे गया है? जी हाँ। अरे वकालत पढ़ने के लिए बॉम्बे नहीं गया है, अरे बॉम्बे गए हैं। वो गया है सेंटर जेल, हायराम सेंटर जेल। हाँ, पता नहीं कौन स्टेशन पर उसके बैग में पता नहीं कौन असरा बारूद धर दे, और वो जो है रख करके वो तो भाग गया। ओए, हम तो गए थे भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, हे शंकर डाकू बदमाश। अरे शंकर भगवान, हाँ शंकर भगवान, जो कोई वहीं के बैग में रखी तो है, भगवान करे कोढ़ी कबरा हो जाए, और न कोढ़ी कबरा हो तो हे होली महारानी वहीं के आखिर में मोतिया भी जरूर कर दे। जब रात कह लाठी पकड़ चले थमरी में धार दिल, तो इसका मतलब मेरा राजेश इस वक्त सेंटर जेल में बंद है। सेंटर जेल गया, अगर मुलाकात करना चाहती हो तो सीधे पहुंचो सेंटर जेल। अगर ऐसी बात है तो मैं आज अपने राजेश, तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? चौकीदार बता रहे हो सब, इधर आओ यार भालू। चौकीदार साले, उस राजेशवा से हम इतना परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं।
यार परेशान तो हम भी हैं। है? भल्लू अवलार यार राजसभा को साले खाइते लाओ खाइते लाओ साले साढ़े चार बज गए दाला सो रहा निकलोगे जेल से हमरे घर में ये कैसे डिड़िया डिड़िया पड़वा मर गया साले तो ये पड़वा है हट 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 बैठ बैठ खड़े हो साहब नमस्ते साहब नमस्कार 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 टोपी से चार टोपी तो बालिके कैसे जेल में आना हुआ साहब आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए यहाँ आई हूँ वही साहब जानना चाहते हैं आपकी जेल में राजेश नाम का कोई मुलजिम बंदे है ऐसा कौवे की जैसे काम कर देते हो बीच में बात वो हमसे कर रही है तुमसे कर रही तो चुपचाप बैठो बात तुम्हारा नहीं होना चाहिए हाँ है साहब मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए प्लीज साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ हाथ मत जोड़ो जब तुम हाथ जोड़ने लगती हो तो हमें बहुत तरस लगता है हाथ मत जोड़ो क्योंकि हम लोगों को अपना ही आदमी समझो थैंक यू साहब अरे आदमी तुम इसके आदमी हो गवर्नमेंट सर में गवर्नमेंट सर्विस कहते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं मुलाकात तो हम करवा देंगे साहब तो करा दीजिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ ना 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 हाथ मत जोड़ो हाथ मत जोड़ो मुलाकात तो हम करा देंगे प्लीज साहब लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या होगा आपका भूसा नहीं दे रहा हम कोई गैया भैंसिया हैं साले भूसा खाएंगे अरे वो कमरा भूसा से भरा हुआ है रे हाँ तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा साहब मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रही हूँ जानकर अनजान मत बनो जरा गौर करो हमारे विषय में साहब जैसे मैं नहीं गौर कर पा रही हूँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो आप ही बता दो साहब कि आपको क्या चाहिए देश परेशान नेता से बाप परेशान बेटा से हम तुमसे परेशान भी देखो साले कौवे की जैसे से काम कर देते हो चुप पे बैठो रे जब कोई जुगाड़ बन जाएगा तो तुम्हें छोड़ देगी तुम्हें भी साथ रखेंगे हाँ तो सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं
समझ गई हो? मिलाई कराने के लिए राजेश के लिए हम 100 रुपए मिनट लेंगे, एक मिनट की। अरे मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि ये ना समझ सकूं कि 5 मिनट के 500 रुपए हुए। साहब कुछ ज्यादा है, थोड़े कम कर लो। अरे ज्यादा है तो यहाँ से जाओ, मिलाई नहीं करवा पाएंगे। साहब कहते हैं पुलिस रंडी किसकी। अरे वही कहने जा रहे हैं रावण के भाई विभीषण महाराज, चुप्पे बैठो, अपने मुंह को आराम कर लो। अरे मुख में क्या बावसीर है तुम्हारी। हाँ तो चुप। अगर ऐसी बात है साहब, तो मेरे भैया ने हमें 500 रुपए कॉलेज की फीस जमा करने के लिए दिए थे, आप पे 500 रुपए ले लीजिए और राजेश से हमारी 5 मिनट मुलाकात कराने कर दीजिए सर। 5 मिनट मुलाकात साहब। क्या है रे? एक जुगाड़ बहुत बढ़िया। कैसा? एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है। कैसा रे? ओ रामू सो रहे हो कहाँ हो? सोए बहुत बढ़िया जुगाड़। कैसा रे? 400 तुम धन लो, 100 रुपया हम कर लो। तुम क्या करोगे? जाय रहन मटियारी, जाय रहन 5 पौवा ले जाय। बनती है? अरे कुछ पहुंचा ना, एक पी लियो तो मौत आई जई हो। बहुत नहीं मौज कहते हैं। हम लोग कच्ची दारू पीने वाले हैं। आता है बड़ी बड़ी ना करो लॉकडाउन पावत कच्ची उड़ाई रहो यार। साहब अरे भल्लू हवलदार इधर आ यार, 500 रुपए मिले हैं, चलो ठेके पे एक एक क्वार्टर पिएंगे और उसके बाद में मुर्गा फ्राई कराएंगे और एक एक सिगरेट पी के तब पूजा करके तब आएंगे यहाँ पे। चल रहे 5 मिनट बात करना, 6 मिनट हो गए, 100 रुपए और पड़ेंगे। नहीं नहीं मैं जानती हूँ सर कि मैंने आपको 5 मिनट के पैसे दिए, तो मैं 5 ही मिनट बात करूंगी। ठीक है चलो। राजेश राजेश आज आज तुम्हारे हाथों में ये हथकड़ियां बेलिया, तुम्हारा तो जीवन कितना खुशहाल था, आप सबको हंसाते थे खुद हंसते थे, पर आज ऐसा कौन सा मुसीबत भरा तुम पे पहाड़ टूट पड़ा जो तुम इस काल कोठरी में आके बंद होगे। राजेश सुमन हमारी खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन खुशहाल जिंदगी में पता नहीं किसकी नजर लग गई। क्या हुआ था राजेश? आज इस बोर्ड पे आके खड़ा हो गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें गुनाह करने पे मजबूर कर दिया? सुमन मैं वकालत पास करने के लिए बम्बई को जा रहा था। हाँ राजेश हमें मालूम हुआ था कि आप LLB की ट्रेनिंग के लिए वकालत पास करने के लिए बॉम्बे गए हुए हैं। लेकिन मैं जब जब स्टेशन पे पहुंचा, स्टेशन पे अचानक में पुलिस आ गई और हमें हमें रोक लिया गया। हमारी बाइक की तलाशी होने लगी। बाइक की तलाशी में कुछ विदेशी हथियार, 4 सफेद ब्राह्म सुगन निकला, लेकिन हमें देखकर के हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन मैं भी फिर से कहा कि ये साहब ये कुछ हमारा नहीं है, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन लोगों ने हमारी एक बात नहीं मानी, हमारे हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा। मैंने सोचा अगर राजेश तेरे हाथों में हथकड़ी लग गई तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अरे बरसों की पढ़ाई तेरी खाख में मिल जाएगी। मैंने उसी समय हवलदार को धक्का मार के वहां से भाग निकला। जब मैं भाग निकला तो मैंने सामने देखा मंत्री जी का फार्म हाउस दिखाई पड़ रहा था। मैंने कहा कि वहां मंत्री जी के पास चला जाऊंगा, हो सकता है मंत्री जी हमारी जान को बचा ले। लेकिन लेकिन अरे मैं नहीं जानता था कि वो ये मंत्री नहीं बल्कि एक मंत्री के छुपे हुए भेड़िया है। भेड़िया? अरे वो भेड़िया नहीं बल्कि एक कत्ता नेता है, कत्ता नेता। वो साला मंत्री मंत्री नहीं बल्कि गद्दार नेता है। वो साला अपने देश को बेच खाना चाहता है। मैं
अगर मैं यहाँ से छूट के चला गया तो उन लोगों का जब तक खून न पी जाऊंगा, अरे तब तक राजेश को शांति। राजेश भूल जाओ इन सब बातों को, मैं जानती हूँ मेरा दिल पहले से ही गवाही नहीं दे रहा था कि मेरा राजेश खूनी हो सकता है। असमर्थ मैंने किसी का खून नहीं किया। छोड़ो इन बातों को, जब तलक ये सुमन जिंदा है मैं नहीं। सुमन मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं बचा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि राजेश की कोई जिंदगी जिंदगी नहीं रह गई, बल्कि एक पानी का बुलबुला है, ना जाने किस घड़ी अरे फूट जाए। इस जिंदाल में हमारा दम टूट रहा है, अरे कोई तो मुझको निकाले। राजेश मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी राजेश, और मैं तुम्हें छोड़ के भी नहीं जा सकती राजेश, क्योंकि तुम्हारे प्यार की निशानी हमारे पेट में पल रही है। क्या? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ राजेश, अगर जो हमारी तुम्हारी जल्द से जल्द शादी ना हुई तो सुमन के पास खुदकुशी करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा राजेश। तुमने क्या किया सुमन? अरे जानते हुए कि राजेश इस जिंदाल में अपना दम घुट रहा है, राजेश जाने जाने फिर भी जाने जाने हम लोगों से जो गलती हुई है उसका पश्चाताप यही है कि हम दोनों लोग एक दूसरे से शादी कर लिए। मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए दिन रात एक कर दूंगी राजेश। सुमन अगर ये बात है, अगर ये बात है तो तुझे एक काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ सुमन राजेश। सुमन अगर ये बात है तो हमारी बात को गौर से सुन। कहो राजेश क्या कहना चाहते हो? आने वाले इलेक्शन में इस शांति नगर में मंत्री रामावतार के खिलाफ अपने भाई को खड़ा कर दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तेरा भाई इस इलेक्शन में जरूर जीत जाएगा। लेकिन मैं समझ गई राजेश कि तुम क्या कहना चाहते हो। अगर जो हमारे भैया मोहन मंत्री राम अवतार के खिलाफ शांति नगर में इलेक्शन लड़ेंगे, अगर जो हमारे भैया मोहन मंत्री बन गए तो मैं तुम्हें इस काल कोठरी से चुटकियों में छुड़ा दूंगा। ऐसा ही होगा। आज जब मैं घर जाऊंगी तो इसके बारे में अपने भैया से बात। मैं छह मिनट पूरे हो गए, 100 रुपया और निकालो। नहीं सर, घड़ी स्लो चल रही है क्या? मोबाइल खराब है, देखो कहीं है क्या? सब 6 मिनट हो गए, पूरे 6 मिनट हो गए, 100 रुपया और लो। देखो आप लोगों की ड्यूटी थी, आपको 5 मिनट में आना चाहिए था। अच्छा हम लोगों को बेवकूफ समझ रही हो? अरे हमारा पैसा तो चल रहा है, तुम 10 मिनट बात करो, हमसे क्या लेने देना है। साहब मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे, वो तो आप लोगों ने ले लिए, अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। पर मैं जब अगली बार मुलाकात करने के लिए आऊंगी 100 रुपए एक्स्ट्रा देके जाऊंगी। नहीं नहीं 100 रुपए एक्स्ट्रा। साहब थोड़ा पानी चाहिए, मुझे तेजी से प्यास लगी है, पानी पानी पानी। ठीक है अगली बार आना, 100 रुपए दे कर जाना। ठीक है साहब मैं दे दूंगी। लड़कियों से ऐसे बात की जाती है, बदतमीजी की हद हो गई। अच्छा साहब नमस्कार नमस्कार। याद रखना अपने दिमाग में बात कि हमका दे कहा है 100 रुपया। ये तो बहुत अच्छे 500 मिले, 20 तुम डरो 20 हम डरे। हाँ, चले पूरी बोतल और गिलास। हाँ, आराम से तब तो
निकालेंगे जूता सर के बार खाले सारे। हमें लगता है अपने बीवी बच्चों से भारू। अरे इसके मुंह मन लगो साला, बहुत बदतमीज ये साला चौकीदार है। हमारे कहने का मकसद है छोटे वाली का अचानक जेल में। दीवान जी आप सोच रहे होंगे कि नागेश्वर का आने का मतलब खेल के अंदर क्या है। अरे यही तो हम कहने का मतलब, हमारा दुश्मन तुम्हारे खेल के अंदर तरफे और हम बदला लेने के लिए बाहर तरफे। दुश्मन अच्छा नहीं लग रहा है। दुश्मन खुले शब्दों में कहो जो राजेश नाम का मुजरिम आपके खेल में बंद है उससे हम थोड़ा मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात? अगर जो ये बात थी तो हमारे पास फोन कर दिया होता, हम साले को अपनी गाड़ी में बैठा के हवेली चलाता, मुलाकात करा देते। नहीं दीवान जी, यहाँ तकलीफ उठाने की क्या जरूरत? तकलीफ पैरों को देकर के आए हैं किसलिए? कि राजेश के पाजों की ताकत को तोड़ना है, कमजोर करना। अगर जो ये बात है, अगर जो ये बात है तो तुम तशरीफ रखो, अभी साले राजेश्वा को निकाल रहे हैं और तुमसे मुलाकात कराएंगे। अरे राजसभा ये समझ लेना छोटे मालिक नागेश्वर तुमसे मुलाकात करने के लिए आए। नजर नीची करके मुलाकात करना, अगर जो कहीं नजर उठ गई तो इतने पटे चलाऊंगा कि सारी चूतर की खाल निकाल लूंगा, समझ गए हो? छोटे मालिक ये रहा साला राज्यसभा। देख लिया साले हम से दुश्मनी करने का अंजाम क्या हुआ? तू सलाखों के पीछे साले चल रहा है और मैं चल आजाद हूं। राजेश्वर अरे मुझे यू तड़पा तड़पा के क्यों मार रहा है? मुझे जान से मार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे यू तड़पा तड़पा के मत मार, मुझे जान से मार दे। जान से मार दूंगा तो हमारी दुश्मनी का एहसास कौन करेगा? जितना दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारो उतना ही जिंदगी में कुछ और मजा है। नागेश्वर एक बात सोच ले, मुझे जान से मार दे उसी में तेरी भलाई है। अगर अगर ये राजेश चिंतन से कभी ना कभी आजाद हो गया तो चलता है। अरे ये दुनिया तो होगी मगर इस दुनिया में तो दुनिया भी होगी और हम भी होंगे लेकिन तू इस दुनिया में नहीं होगा। दीवान मेरा हुक्म है कि इसके बदन से भेड़िया उठा दिया। इसकी आंखों में साले का सुअर का बाल नजर आ रहा है। नजर नीचे, इसकी आंखों में सुअर का बाल नजर आ रहा है और ये साला इतना खूंखार मुंजिम है, इससे हम परेशान हैं और तुम कह रहे हो इसे भेड़ियों से आजाद कर दो। लगता है कि तुम भी अपनी नौकरी से उग गए हो। ठाकुर से कह करके हमारी नौकरी।